कि सो मच इन कैश एंड सो मच इन चेक, इतना कैश में इतना चेक में. दिस वॉज द इंडियन नॉर्मल. प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नाउ क्रिएटेड अ न्यू नॉर्मल. अब जो नया नॉर्मल है वो उस पुराने नॉर्मल को रीडिफाइन कर दिया गया है. और इसके बाद जो परिस्थिति आएगी, ये जो आज पूरा प्रयास हो रहा है कि पेपर करेंसी की संख्या कम होगी, सही माने में लेस कैश होगा. कई बार हम लोग कैशलेस कहते हैं, लेकिन कुछ कैश तो रहता ही है हर समाज में. लेस कैश होगा लेकिन डिजिटल करेंसी की संख्या बढ़ती है. और हमें यह गलतफहमी ना रहे, मेरे कांग्रेस के लोग, मैं सोचता हूं कि मैं कांग्रेस के लोग कहते हैं कि, और मैंने वामपंथी लेफ्टिस्टों का भी सुना कि ये कब होगा इस देश में. मैं आजकल बैंक से पूछता रहता हूं उनके आंकड़े क्या हैं. इस देश में आज भी जो अलग अलग प्रकार की डिजिटल करेंसीज हैं, चाहे डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ई वॉलेट्स हैं, हमें कल्पना है कि हम जो राजनीति में लोग निर्णय करते हैं, मुझे लगता है कि दो वर्ग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं बदले. एक हम राजनीति वाले और एक मीडिया वाले. लेकिन नीचे देश बदल चुका है. हम चर्चा करते हैं कि ये कब होगा, कितने साल और दशक लगेंगे. तो मैंने पूछा बैंक की व्यवस्था से, तो मैंने संख्या सुनी, तो मैंने दूसरी तीसरी बार उनको कहा कंफर्म करके बताओ, आप गलत तो नहीं मुझे बतला रहे कि इस देश में आज भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये सब मिला लिया जाए तो बाजार में 80 करोड़ हैं, जिसमें से 45 करोड़ एक्टिव यूज में हैं. 45 करोड़ लोग उसका सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं. करोड़ों की संख्या में 15 महीने पहले ई वॉलेट शुरू हुए थे, करोड़ों की संख्या में लोगों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया है. तो मैंने कहा कि हम लोग जो कई बार सोचते हैं कि नीति हम बनाते हैं, हमें बदलने में समय लग रहा है, ये लिखने वालों को लिखने में समय कम लग रहा है, बदलने में और समझ में कठिनाई हो रही है, लेकिन देश कितनी तेजी से नीचे बदल रहा है इसकी कई बार हमें ही कल्पना नहीं है. और आप इसकी कल्पना अगर देखें कि पेपर करेंसी कम हो जाती है, ये डिजिटल और करेंसी बढ़ती है, और जितना व्यवसाय इसका बढ़ता है उसका असर क्या है. पिछले 2-2.5 वर्षों से लोग हमसे पूछते थे कि एक तरफ तो हम बड़े गर्व से कह देते थे कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था को केवल दो इंजन चला रहे थे, एक सरकारी खर्चा पब्लिक इन्वेस्टमेंट और दूसरा विदेशों से जो पूंजी आ रही थी एफडीआई. ये दोनों की संख्या काफी अच्छी थी. तीसरा एक कदम हुआ कि शहरों के अंदर डिमांड बढ़ गई, लोगों ने खर्चना शुरू कर दिया. 2 साल कठिनाई रही, चौथा अच्छा एक अनुभव आया कि अच्छी बरसात हुई इस साल, तो ग्रामीण क्षेत्र का भी परचेजिंग पावर बढ़ गया. लेकिन दो बहुत बड़ी कठिनाइयां थी, तीन. पहली कठिनाई अपने नियंत्रण में नहीं है कि विश्व में कुछ धीमापन है और उसका भी असर पड़ता है देश पे. दूसरी कठिनाई थी कि यूपीए के जमाने से जो बैंकों ने इतने लोन दिए हुए थे, कई एनपीए हुए थे, तो बैंकों की जो क्षमता थी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने की वो कमजोर हो चुकी हो रही थी. एबिलिटी ऑफ बैंक्स टू सपोर्ट द इकोनॉमी. और जब तक बैंक पैसा नहीं देंगे तो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा,
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ट्रेड कैसे आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी। और बैंक को ताकत देने के लिए हम बजट में से पैसा लेकर बैंक में डालते थे, फिर बार बार कहते थे कि अगर ब्याज की दर बहुत ऊंची है उसको नीचा करो। तो रिकैपिटलाइजेशन, एबिलिटी ऑफ बैंक्स टू सपोर्ट ग्रोथ, हाई इंटरेस्ट रेट्स, और इसके साथ एक चौथा था कि प्राइवेट सेक्टर इस परिस्थिति में थोड़ा उस तेजी से नहीं चल रहा था और उसमें एक्सपेंशन नहीं था। एकाएक एक बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ा पैसा लाखों करोड़ों में जो सिस्टम के बाहर चल रहा था वो बैंकों में जाकर जमा करना एक आर्थिक मजबूरी बन गई। और बैंकों के पास उनके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए आ गए। और ये जो लाखों करोड़ आए इसको रखने का जो खर्चा है वो बहुत कम है, उस पर ब्याज भी कोई फिक्स डिपॉजिट वाला ब्याज नहीं है। अब बैंकों की एकाएक क्षमता आने वाले कल में उसको दोबारा ऋण में देने के लिए ट्रेड को, इंडस्ट्री को, सोशल सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो पैसा देने में एकाएक बढ़ जाती है। ब्याज दर पे भी हो सकता है इसका असर पड़ सकता है, ये तो आरबीआई तय करेगा। और एकाएक जो अर्थव्यवस्था में फॉर्मल इकोनॉमी में लिक्विडिटी चाहिए थी वो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी में चलने वाला साधन उस फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाता है। और जितना इसका डिजिटाइजेशन होगा उसकी भी मजबूरी होगी। अब एक एक उद्योग से हम लोग बात कर रहे हैं, पहले कुछ लोग कठिनाई बतलाते हैं लेकिन सरकार भी अगर अपनी स्थिति पर अड़ी रहती है तो फिर उसको स्वीकार करना शुरू करते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से जो व्यवसाय चलता है अब उसके आधार पर राज्यों का टैक्स कलेक्शन, केंद्र का टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन दोनों बढ़ते हैं, इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है। अब धीरे धीरे डीमोनेटाइजेशन जो प्रोसेस होता है करेंसी रिप्लेसमेंट का, उसके बाद रीमोनेटाइजेशन अपने आप में आवश्यक रहता है कि वैकल्पिक करेंसी को लाकर आप दीजिए। और आरबीआई रोज प्रतिदिन एक मात्रा की करेंसी बाजार में इंडक्ट करता है बैंक व्यवस्था के माध्यम से। अब कुछ दिन उसकी कठिनाई होगी, जैसे जैसे उसकी संख्या आती जाएगी प्रतिदिन, जितना मजबूत रीमोनेटाइजेशन होता जाएगा वो कठिनाई भी फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इसमें कोई महीनों महीने नहीं लगने, कम समय में इसको आरबीआई बैंक व्यवस्था के माध्यम से इस रीमोनेटाइजेशन को पूरा करता है। और अब आप कल्पना कीजिए आज से कुछ महीने बाद एक तरफ पूरा रीमोनेटाइजेशन हो जाता है, इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा डिजिटाइज्ड पेमेंट्स की तरफ चला जाता है, टैक्स बेस बढ़ जाता है, बैंकों की क्षमता इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बढ़ जाती है, ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है, ऋण सस्ते होने लग पड़ते हैं, टैक्स बेस एक्सपैंड करता है, और दूसरी तरफ अगर जीएसटी लागू हो जाता है वो भी ज्यादा एफिशिएंट, इट्स अ मोर एफिशिएंट टैक्स सिस्टम। तो नोटबंदी का फैसला सही बताया, नोटबंदी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, सक्रिय रूप से 45 करोड़ डेबिट क्रेडिट कार्ड का हो रहा इस्तेमाल, लाखों करोड़ों का पैसा जो बाहर था बैंकों में आया, तो सही कदम बताया, सही फैसला बताया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। नोटबंदी को सक्रिय रूप से 45 करोड़ डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाखों करोड़ों का पैसा जो बाहर था बैंकों में जमा हो रहा है, नोटबंदी का फैसला सही कदम, ये कहा वित्त मंत्री ने। तो नोटबंदी पर भुवनेश्वर से
वित्त मंत्री अरुण जेटली को सुना आपने, उन्होंने इसे सही फैसला बताया, सही कदम बताया। सरकार का सक्रिय रूप से 45 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी उन्होंने जानकारी दी। लाखों करोड़ों का जो पैसा था, जो जमा पड़ा था, अब वो बैंकों में आ गया है। तो तमाम तर्क यहां पर वित्त मंत्री ने रखे, इस फैसले को सही बताया, नोटबंदी का फैसला सही है, ये कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। तो नोटबंदी पर जेटली का बड़ा बयान, सक्रिय रूप से 45 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड का हो रहा है इस्तेमाल, नोटबंदी का फैसला सही। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली को सुना आपने भुवनेश्वर से, नोटबंदी के मसले पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने इसे सरकार का सही कदम बताया।